तो दोस्तों मार्केट में एक और नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गया है सबसे ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ और सबसे ज्यादा रेंज के साथ। सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों का शाबूविक्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कुछ पूछना चाहते हैं कहना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं दंडेरा की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अटुआ के बारे में। तो दोस्तों दंडेरा 2018 में शुरू हुई एक नया स्टार्टअप से इन्होंने एक यूनिक वे से सबसे ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा रेंज देने के लिए एकदम स्क्रैच से इनके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर काम किए हैं। इसके अलावा भी कंपनी के काफी सारे डिटेल्स हमने एक पहले से ही वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वो वाला वीडियो तो यहाँ पे आई कार्ड में या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि शार्क टैंक में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट और किसके जरिए इन्होंने हासिल की है ये सब कुछ जानने को मिलेगा वो वाली वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, काफी सारे डिटेल्स आपको मालूम पड़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ज्यादातर दंडेरा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अटुआ के बारे में ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और रेंज प्राइस और कब तक डिलीवरी सब कुछ डिटेल जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ। अटुआ L5M कैटेगरी में आने वाली है। कंपनी की तरफ से कार्गो सेगमेंट में एक ही मॉडल को अनवील किए हैं और इस मॉडल में भी वेरियंट्स को डिलीवरी टाइम पे अनवील करने वाले हैं जो अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग रेंज हमें मिलने इन वेरिएंट्स के अंदर। अगर हम डिजाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे काफी यूनिक और सिंपल रखने की कोशिश की है। फ्रंट में हमें एलईडी हेडलाइट इंडिकेटर के साथ देखने को मिलेंगे और ड्राइवर कैबिन में हमें बड़ा सा विंडो स्क्रीन दिया गया है जो ड्राइवर विजिबिलिटी को बढ़ाता है और साइड में दो लॉकेबल डोर्स दिए हैं। अगर पीछे की साइड देखा जाए तो हमें कंटेनर को ओपन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सपोर्टिंग के साथ एक डोर भी दिया गया है। काफी यूनिक डिजाइन इन्होंने बनाया जो ड्राइवर कैबिन को और कंटेनर को मिलाकर एक ही डिजाइन में इन्होंने फिट किया है। काफी तक हम ऑटो रिक्शा देखे हैं जो ड्राइवर कैबिन अलग से बनती है और कंटेनर अलग से बनता है। डिजाइनिंग के अलावा भी इन्होंने बॉडी में भी मेटल से बनी हुई बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं जो मोनोकॉक चेसी के साथ आने वाली है। जो मोनोकॉक चेसी ज्यादातर कारों में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इन्होंने पहली बार इंडिया में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में इस्तेमाल किए हैं। ज्यादातर ऑटो रिक्शा के अंदर हमें चेसी सेपरेटली बनाया जाता है और कंटेनर सेपरेटली बनाया जाता है और दोनों को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट दिया जाता है। मोनोकॉक चेसी से काफी सारे फायदे भी है, काफी सारे नुकसान भी है जो हम प्रोस और कॉन्स में देखने वाले हैं। ओवरऑल अगर इस ऑटो रिक्शा की डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ के अंदर हमें 9 फीट का लेंथ देखने को मिलता है, 5 फीट का विड्थ के साथ और 7 फीट हाइट के साथ काफी अच्छे डायमेंशन दिए गए हैं। और इस डायमेंशन के साथ हमारे कंटेनर जो है 183 क्यूबिक फीट का कंटेनर मिलने वाला है, काफी अच्छा लोड यहाँ पे डाल सकते हैं। इस कंटेनर में लोड कैरी करने के लिए 13 इंच के मोटे से टायर्स दिए गए हैं जो डिस्क ब्रेक के साथ आने वाले हैं। तीनों में भी डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग के साथ दिया गया है, काफी अच्छा काम किया है इन्होंने डिस्क ब्रेक के मामले में। ड्राइवर कैबिन के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो एकदम बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एटलीस्ट यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कुछ LCD के डिस्प्ले वगैरह देते, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ देते तो काफी अच्छा होता। अब बात आती है मेन स्पेसिफिकेशन की जो अटुआ से मिलने वाला परफॉर्मेंस है। अटुआ के अंदर पेलोड कैपेसिटी 900 केजी का मिलने वाला है, यानी सबसे ज्यादा लोड इसके अंदर हम कैरी कर सकते हैं जो थ्री व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर जो पहला ऑटो रिक्शा है इतना ज्यादा पेलोड ऑफर कर रहा है हमारे लिए। और ये पेलोड के साथ हमें एक डर भी रहता है कि इतना लोड कैरी करते वक्त पलट जाने के टिल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए कंपनी ने एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके वजह से जब पलट जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा का टॉप स्पीड हमें 55 किलोमीटर पर आवर मिलने वाला है। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें सिंगल चार्ज पे 165 से लेकर 300 किलोमीटर का रेंज हमें मिलने वाला है। तो इस परफॉर्मेंस को देने के लिए इसके अंदर 12.8 किलोवाट की मोटर दी गई है और इस मोटर से 49 Nm का टोर्क जनरेट हो रहा है। टोर्क ऑफिशियली नहीं बताया, जो मैं रिसर्च करने पर मुझे मालूम पड़ा 49 Nm का, और ये फाइनल प्रोडक्ट जब रिवील करेंगे तो पता चलेगा। तो आप जरूर चैनल को करके रखना, जब प्रोडक्ट अनवील हो जाएगा तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट करूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस मोटर को पावर देने के लिए इसके अंदर हमें 72 वोल्टेज की लिथियम आयन 15.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है जो फास्ट चार्जिंग के जरिए 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर फुल होगी। अगर रेगुलर चार्ज करते हैं तो आपको 4 घंटे से ज्यादा ही टाइम लगेगा इसको फुल चार्ज होने में। और इस परफॉर्मेंस देने वाले अटुआ को खरीदने के लिए आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा, तो इसका प्राइस शुरू होता है 3,50,000 से लेकर
रहे हो 5,50,000 तक, जो काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ये प्राइस ज्यादा है या कम है नीचे जरूर कमेंट करके बताना। मेरे ओपिनियन में जो बेसिक 165 किलोमीटर का रेंज जो है वो 3.5 लाख से शुरू हो रहा है, और जो ज्यादा हायर वेरियंट ज्यादा हायर रेंज हमें मिल रहा है शायद वो 5,50,000 तक पहुंचने वाला है। जो हमें ये अनवील करेंगे वेरियंट तो तब पालता चलेगा। तो फाइनली हम अब बात करने वाले हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर। एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे इस कंपनी के जरिए हमें एक मोबाइल ऐप मिलने वाला है। इसके अंदर आपको फील्ड मैनेजमेंट, रिपेयर ट्रैकिंग और मेंटेनेंस ट्रैकिंग और ड्राइवर मैनेजमेंट, जीपीएस और नेविगेशन और जियो फेंसिंग, और इसके अलावा भी इंसिडेंट अलर्ट, जो कुछ हो गया तो गाड़ी को वो अलर्ट मिल जाता है। इस मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। इस ऐप के अलावा भी हमें शायद एयर वेरिएंट के अंदर एसी भी देखने को मिलेगी ड्राइवर कैबिन के अंदर, जो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। वैसे आपके ख्याल से आपको एसी जरूरत है ऑटो रिक्शा के अंदर नहीं है नीचे जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों ये थे अटुआ के साथ मिलने वाले बेसिक स्पेसिफिकेशन और इस ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा फीचर्स। इसके अलावा अगर अटुआ के प्रोस और कॉस की बात की जाए तो यहाँ पे पहले हम प्रोस देख लेते हैं। इस ऑटो रिक्शा के अंदर सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी मिल रही है, सबसे बड़ा प्रो है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर मोनोकॉक चेसी मिल रही है। इस चेसी की वजह से जो ओवरऑल इस ऑटो रिक्शा का ग्रॉस व्हीकल वेट होता है बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से हम या तो बैटरी में इंक्रीज कर सकते हैं या तो पेलोड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, यानी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी काम किए हैं इन्होंने। और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी भी इन्होंने दी है। इस वजह से हम जितना भी ज्यादा लोड कैरी करेंगे तो हमें टिल्ट होने के यानी पलट जाने के डर नहीं रहता है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। ज्यादातर मार्केट में मिलने वाले ऑटो रिक्शा के अंदर पेलोड कैपेसिटी तो बढ़ा देते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम को नोटिस नहीं करते हैं जो वो लोड की वजह से हमें आता है। तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर ये नोटिस करके इसके ऊपर काम किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे ज्यादा रेंज हमें मिल रहा है जिसके लिए हमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है, वो वाली बात मत भूलना। हाँ, सिंगल चार्ज पे इतना रेंज हमें थ्री व्हीलर्स के अंदर इस ऑटो रिक्शा के जरिए ही मिल रहा है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और अगली अच्छी बात इसके अंदर ये है कि मिनिमलिस्टिक और यूनिक डिजाइन इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें कंटेनर और जो कैबिन होता है ड्राइवर कैबिन दोनों को मिलाकर इस ऑटो रिक्शा बन रही है। तो हमें सेपरेट मेंटेनेंस नहीं होता है जैसे कंटेनर और ड्राइव इन कैबिन, दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस ऑटो रिक्शा का है, तो काफी यूनिक डिजाइन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है प्रोस। अगर कॉस की बात की जाए तो यहाँ पे मोनोकॉक चेसी भी एक बड़ी दिक्कत कहूंगा मैं, क्योंकि ज्यादातर ऑटो रिक्शा आप देखे होंगे रेगुलर जो भी ऑटो आते हैं तो ड्राइवर कैबिन अलग होती है और पीछे कार्गो का जो कंटेनर होता है वो सेपरेट होता है। अगर कार्गो कंटेनर भी कुछ भी दिक्कत मतलब आपको कोई भी डैमेज हो जाता है तो मार्केट में आपको सेपरेट कंटेनर मिल जाता है, वो कंटेनर निकाल कर आप दूसरा कंटेनर लगा के आपकी ऑटो रिक्शा को चला ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक डिलीवरी का जो कंटेनर है वही यहाँ पे दिया है, और इन्होंने जो पिकअप का जो कंटेनर का है वो भी रिवील नहीं किया है इन्होंने। तो शायद अगर रिवील करेंगे तो अच्छा होता था, जो अभी प्री लॉन्च के वक्त ही रिवील करते तो आप कस्टमर को चूज करने का ऑप्शन अभी पता चल जाता था, आपने जो प्री बुकिंग का ऑप्शन रखा है तो वहां पे चूज करने को आसानी हो जाती थी। डिजाइनिंग के मामले भी यहाँ पे डिसएडवांटेज कहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ड्राइवर लोगों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के समझ के ये ऑटो रिक्शा के अंदर डिजाइन किए गए। तो यहाँ पे ड्राइवर का जो प्रॉब्लम ज्यादातर ये होता है कि वो दिन भर एक ही सीट के ऊपर बैठा रहता है, तो सीट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते तो अच्छा रहता था मेरे ओपिनियन में। ज्यादातर लोगों को पसंद आया होगा वही सीट, लेकिन मेरे को सीट के अंदर ड्राइवर के लिए कुछ सेफ्टी का यहाँ पे कदम लेते थे, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते तो बहुत ही अच्छा था। और दूसरी बात यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एकदम बेसिक सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, वो भी डिसएडवांटेज कहूंगा। थोड़ा बहुत तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी जोड़ सकते थे, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन दे सकते थे, और या रिवर्स कैमरा जो रिवर्स जाने पर दिखता देखने के लिए यहाँ पे रेयर व्यू कैमरा भी का डिस्प्ले देते तो बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर लेके सबसे ये थ्री व्हीलर्स के अंदर सबसे लंबी ऑटो रिक्शा कहूंगा, तो आप रिवर्स के लिए भी एक कैमरा देते तो एक टेक्नोलॉजी के हद तक हमें भी फायदा मिल जाता था। और दूसरा डिसएडवांटेज ये कहूंगा कि यहाँ पे इतना ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी दिया है तो आपको गियर बॉक्स भी यहाँ पे देना चाहिए था इस ऑटो रिक्शा में, क्योंकि अगर 900 केजी का लोडिंग कैपेसिटी के साथ कोई बंदा स्ट्रेट जा रहा है तो कितना भी आप टोर्क दे दो कितना भी दे दो लेकिन मूविंग पिकअप जो होती है वो ज्यादातर काम नहीं आती है। आप गेस कर रहे होंगे ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ कहीं पे भी ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक में भी मिल रहा है तो वहां पे आपको गियर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गियर होता है तो
जो टोर्क होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो आगे पीछे करके भी हम ऑटो रिक्शा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूएशन ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर ज्यादातर टोर्क जनरेट नहीं होता है। 900 केजी का आप लोडिंग डाल के सेम प्लेस से मूव होने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है, ये भी एक बात कहूंगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है, इतना यूनिक डिजाइन, इतना अच्छे ऑटो रिक्शा बना रहे हैं तो आप पैसेंजर में क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ फोकस कर रहे हैं कार्गो में, पैसेंजर में भी लाना चाहिए था, ये भी बड़ा डिसएडवांटेज कहूंगा। क्योंकि आप जो स्पेसिफिकेशन, जो रेंज दे रहे हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर, तो पैसेंजर में लाते तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता था। वैसे आप अटुआ के अंदर पैसेंजर व्हीकल मिस कर रहे हैं तो नीचे जरूर कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अटुआ के प्रोस और कॉस। अब बात आती है हम कैसे इस ऑटो रिक्शा को खरीद सकते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मुझे हमेशा हर ऑटो रिक्शा के वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में आता है, कहाँ पे ले, कैसे ले, कहाँ पे डिलीवरी मिलती है। तो बात करें अटुआ की, तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि अगर आप फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं तो फाइनेंसिंग भी हो जाएगा, आपको लीजिंग पे लेना है तो भी इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप सब्सक्रिप्शन बेस खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। खरीदने के लिए ये सब ऑप्शन कंपनी की तरफ से जा रहे हैं। इसके अलावा भी कंपनी की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल इन्होंने दिल्ली NCR, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं, धीरे धीरे इन्होंने पैन इंडिया इनेबल करेंगे और प्री बुकिंग भी चालू हो गई है। और डिलीवरी की बात की जाए तो 2023 के अंदर पहले क्वार्टर में इन्होंने डिलीवरी देने की बात की है। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्री बुकिंग ओपन है, जाके प्री बुक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में अटुआ का ऑटो रिक्शा को ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के लिए फोकस ना करके ज्यादा रेंज देने के लिए फोकस करते तो बहुत ही अच्छा होता। वैसे भी इतना लोड डालने के लिए तो कोई भी फोर व्हीलर को प्रिपेयर करेगा, ना कि थ्री व्हीलर को। चलिए अच्छी बात यह है कि थ्री व्हीलर के अंदर भी हमें एक ऑप्शन मिल गया है कि ज्यादा लोडिंग कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कहूंगा कि ये फिक्स बैटरी और स्वैपिंग बैटरी का जो कॉम्बिनेशन होता वो लेके आते तो रेंज भी बढ़ सकता था, तो बहुत ही फायदेमंद होता था कस्टमर के लिए। जैसे कि आप फिक्स बैटरी घर पे चार्ज करते थे रात भर, और अगर दिन भर चलाने पर फिक्स बैटरी खत्म हो जाती तो अगर जरूरत पड़ती तो स्वैपिंग बैटरी भी स्वाइप कर लेता, क्योंकि आपके पास स्वैपिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो बहुत ही कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा होता था, ज्यादा रेंज मिल सकता था हमारे लिए, यानी कस्टमर्सों के लिए भी। ज्यादातर ज्यादा रेंज वाली ऑटो रिक्शा चाहिए, ना कि ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ। वैसे आप इतना लोडिंग कैपेसिटी के साथ ऑटो रिक्शा लेना चाहेंगे नीचे जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी बात यह है कि प्राइस बहुत ही हाई है, 5-5.5 लाख की ऑटो कौन खरीदना चाहता है भाई, 4 लाख 3 लाख के अंदर ही कोई भी ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है। 4 लाख के अंदर 3-5 हो तो भी फाइनल ओके। कोई भी दूसरी कंपनी टॉप मॉडल ऑफर कर रही है तो 3.5 लाख के अंदर ही ऑफर कर रही है, आप तो 5.5 लाख तक ले गए, 5.5 लाख तो अच्छा फोर व्हीलर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप लोड 900 से भी ज्यादा कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो प्री लॉन्च इवेंट किए हैं तो उसके अंदर सभी जो वेरिएंट होते हैं उनको अनवील करना चाहिए था, चाहे आपके पास प्रोडक्ट बताने के लिए ना हो फिर भी आप अनवील करते तो जब हमें प्री बुकिंग करने में आसान होती थी, वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता था तो बहुत ही अच्छा होता। प्री बुकिंग के लिए हमें पता चलता था कि कौन सा वेरिएंट लेना है और कौन से वेरिएंट के अंदर कितना रेंज मिल रहा है और कौन से वेरिएंट के लिए कितना प्राइस है। वैसे आपका ओपिनियन बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दंडेरा की अटुआ की पूरी जानकारी। और एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे स्वैपिंग बैटरी के साथ भी इन्होंने ऑफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को, तो वो वाला अगर कंसिडर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और मिलते हैं एक और नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।